सलाम आप करेंगे, मैं सलाम करूँ, स्टार्ट आप करेंगे, मैं स्टार्ट करूँ। इयाक नअबुदु व इयाक नस्तईन। शुरू कर लो यार। यार मेरा माइक हिल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू कैरावन पॉडकास्ट। नामालूम शख्सियत सैफ रजी, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रैवल। ट्रैवल टू वेयर? ट्रैवल टू नॉर्दर्न एरियाज। आप तो डायरेक्टली मुद्दे पे आ जाते हैं ना, डायरेक्टली। तो भाई डायरेक्टली आना चाहिए, और कैसे आना चाहिए। अच्छा खैर, पाकिस्तान में ट्रैवल की बेस्ट प्लेसेस? मैंने आज तक कभी फॉरेन ट्रैवल किया ही नहीं, तो मैं पाकिस्तान के बारे में ही बताऊंगा। के बारे में ही बताना है पाकिस्तान के, इसलिए मैंने पहले मुद्दा क्रिएट कर दिया। अच्छा, आप शायद दुबई गए हो, मस्कत गए हो, सलाले गए हो। नहीं गया यार, मैं नहीं गया। मेरा तो पासपोर्ट भी नहीं बना हुआ। आईडी कार्ड बना हुआ है? हाँ ठीक है। अच्छा तो आप पहले ये बताएं किस नाम से पुकारूंगा आपको? यार जो मेरा नाम है पहले कहते नाम दसना। अच्छा यार, फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान में बेस्ट प्लेसेस फॉर टूरिज्म इन नॉर्दर्न एरियाज, ठीक है। मैंने भी ट्रैवल किया हुआ है, इंसान ने भी ट्रैवल किया हुआ है। हर बंदे की बेस्ट प्लेस अलग होती है। बेस्ट प्लेस अलग होती है, इसको हम बाद में करेंगे। पहले एक्सपीरियंस, क्यों ट्रैवल करते हैं नॉर्दर्न एरियाज में? बलूचिस्तान सिंध भी है। मैं वैसे बलूचिस्तान गया नहीं, मैं आज तक नॉर्दर्न, मैंने अभी तक सिर्फ नॉर्दर्न एरिया ही एक्सप्लोर किया है, जिसमें कुमराट वैली, सबात, कलाम, उंजा मैंने काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर किया, स्कर्दू और मरी कौन कोई नहीं, वो तो रावलपिंडी हो गया ना अपना। हाँ, और राका पोशी ट्रैक भी किया मैंने। शौकियाँ दस घंटे। अभी नांगा पर्वत भी जा रहे हो? शौकी ऐड कर दो पहले अभी से। अभी जरूरी नहीं है कि मैं नांगा पर्वत जाऊँ, अभी प्लान बन रहा है मेरा। मूड हुआ आखिरी दिन तो मैं चला जाऊँगा। क्यों नॉर्दर्न एरियाज? नॉर्दर्न एरियाज क्यों? क्योंकि मैं यार, क्योंकि ट्रिप्स जो हैं टूरिज्म, मैं जो भी मतलब ट्रैवल करता हूँ वो मैं गर्मियों में करता हूँ, क्योंकि गर्मियों में इजी सीन होता है। अब गर्मियों में साउथ तो मैं जा नहीं सकता, मुझे ठंड बहुत लगती है ना, समय मसला ये है। और नज़र भी आता है, बॉडी शॉडी बहुत ज़्यादा है ना मेरी। तो नॉर्दर्न एरिया गोश्त है, मैंने बोलने नहीं, आप बोले। मेरा एक्सपीरियंस ठीक है, मैं मरी तो पता नहीं कितनी दफा, क्यों मुझे खुद नहीं याद। अभी मैंने व्लॉग बनाया मुशपुरी, हाउ नॉट टू रीच मुशपुरी। नॉट टू रीच मुशपुरी, वो मत व्लॉग मत देखिएगा आप, चलिए देख लें यार, सॉरी यार, देख लीजिएगा ठीक है। वो एडिट है उसका, तो भी मैं एडिट भी मैंने किया, सिर्फ साउंड किया था ठीक है, स्टोरी मैंने बना के दी थी, सॉरी। अभी बात करते हैं ना एडिट की, तो आए एडिट में। अच्छा है छोड़े, अब इस कर्दू गया हुआ था मैं एक ट्रिप के साथ, ठीक है, अपना खर्चा तो नहीं था, ट्रिप के साथ गया था इस कर्दू मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। वो काफ़ी वर्स्ट एक्सपीरियंस भी रहा कर दूँ जाते हुए का, 18 घंटे में पहुँचना, इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक, वो एक जगह बैठे रहना। उसके बाद आगे खपलू शिगर। नहीं तो इतनी मुश्किल आपको ट्रिप पे, ये तो आप जाते हैं कि मैं ट्रिप पे, ये तो पता ही नहीं आपने। एक्सप्लोर मज़ा आता है। क्या मज़ा क्या आता है यार? और कैसे होता है आपको मज़ा आता है? मैं मुन्ना ठीक है। अच्छा है, निवाइयती हो रही है। सीन ये है कि इतनी खुआरी के बाद भी मज़ा आता है, क्यों? इसलिए सुकून है वहाँ पे, फ्री का शोर नहीं है, पाँ कुछ चीख चपराह नहीं है, पानी चल रहा है, आपके साइड पे दरिया है, पहाड़ है, आप हो बस सुकून। यहाँ पे लाहौर में रह गए, फर्स्ट ऑफ ऑल गर्मी का इतना आला टेम्परेचर होता है, आप कहते हो भाई जान मर जाओ तो अच्छा है, वो कबर में जाएंगे साइड को ठंडी मिट्टी मिल जाए। आपका टाइम पूरा हो गया, मैं बोलूँ? नहीं, मैंने कहा है अच्छा, मैं नॉर्दर्न एरिया का फायदा ये है कि फायदे की नहीं बात की, मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया ना, मैं फायदे के बाद एक्सपीरियंस पे आऊँगा ना। फायदा ये है कि भाई पहाड़ों में ना सबसे अच्छी बात मोबाइल के सिग्नल ही नहीं आते, प्लस तो आप दुनिया से तो वैसे ही कट ऑफ हो जाते हैं ना, और जिन लोगों के साथ आप जा रहे होते हैं और वो अच्छे लोग हों, अगर तुझे ये अच्छे हैं तो सुकून बड़ा, मतलब बातें करने कम बातें करने वाले लोग भी ज़्यादा पसंद है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं तो पहाड़ नीचे दरिया चल रहा था, सुकून से बैठ नीचे नहीं साइड पे सिर्फ आवाजें सुन रहा होता हूँ मैं उनकी। किन तो यार वो एक ना काफ़ी दरिया की आवाज़ काफ़ी प्लेजेंट तरीन आवाज़ होती है, जिससे बहुत सुकून मिलता है। दूसरी बात, आपकी कोई टेंशन नहीं होती ना, आप फोन आ रहा है ना, आपको कोई मैसेज आ रहा है ना, क्लाइंट की कॉल आ रही है, मेरे से अब तो टेंशन हुआ करेगी ना, क्यों? थोड़ी बहुत एक्टिविटी स्टार्ट हो गई भी है। बेसिकली आप नेचर के करीब होते हैं, नेचर के बहुत करीब होते हैं, नेचर को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं हम। और वैसे भी साइकोलॉजी कहती है कि यार अगर आपने खुद को एक्सप्लोर करना है, खुद को अपना माइंड वॉश करना है,
आपने साइकोलॉजी पढ़ी है? जी हाँ। एक्सपीरियंस, बेस्ट एक्सपीरियंस क्या था आपका अभी तक ट्रैवल का? बेस्ट एक्सपीरियंस मेरा ये था, ये कुमराट गए थे, खूबसूरत मोटरवे में ऐसी गाड़ी नहीं चलती, ठीक है चलती नहीं है, यानी कि आपको ना एक किलोमीटर नहीं चलती पहाड़ों में चलाई, सेकंड टाइम एक्सपीरियंस था। रात को 12 बजे निकले थे हम सारी, छः सुबह 6 बजे, 7 बजे तक गाड़ी मैंने चलाई थी सीधी रोड पे, सीधी रोड पे इसका स्टैमिना है। उसके बाद पहाड़ों में मैंने चलाई, सेकंड टाइम एक्सपीरियंस था। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस मेरा नथिया गली में था, वहाँ पर मैंने गाड़ी चलाई थी भाई साहब के साथ। और वो कोई जाने की जगह है नहीं, वो तारों ना वो पहाड़ों में ड्राइव करना, ऊपर से वो भी थी ऑटोमेटिक मैनुअल का, मज़ा आया और सनबर्न हो गया मुझे। मज़े की बात, हम मोटर वे पे चढ़ने से पहले हमने गाड़ी चेक कराई हवा, वो कहता है गाड़ी का आपका टायर टेढ़ा है। हाँ टेढ़ा है। हम टेढ़े टायर पे पहाड़ों में गाड़ी लेके गए और कुमराट तक ले गए। और हाँ मज़े की बात, देर तक हर देखने का वजन गाड़ी कुमराट नहीं जा सकती, नहीं जा सकती, कुमराट पहुँच तक ले गए हम, फिर भी लेके गए गाड़ी। इसका एक गोडा भी खराब था गाड़ी का, टायर टेढ़ा था, एक नहीं दोनों थे खराब, वही कट 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 कट। ठंड कितनी थी वहाँ पे, लेकिन मजे की बात क्या थी उस जगह की? सुकून था, बहुत ही ज्यादा सुकून था। कोई किस्म होता ना लाइक, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप स्कर्दू गए हैं, हंसा गए हैं, एक शोर मिलता है, एक रश मिलता है, कुछ भी नहीं है, कैंपिंग हुई हुई है, सुकून। मुझे वैसे पता है ट्रैवलिंग का शौक किस तरह हुआ था, मुझे ना फोटोग्राफी का बहुत शौक था, तो मैं पहली दफ़ा मतलब नॉर्दर्न एरियाज में हुंजा गया था। अच्छा। मरी वगैरह तो हम जाते रहते थे, वो इतना कोई मज़ा नहीं आता था। हुंजा जाके मैंने ना लैंडस्केप फोटोग्राफी की, वो फोटोग्राफी नेट जियो पे गई, हाँ मेरी सारी फील तबाह कर दी तुमने। अब अगले पॉइंट पे आ जाओ, बेस्ट बेस्ट एक्सपीरियंस हो गया, बेस्ट प्लेसेस इन नॉर्दर्न एरियाज पाकिस्तान के। एक सेकेंड, मैं अब बताता चलूं कि हर ट्रैवलिंग हर बंदे के लिए नहीं होती। अभी पीटीए ने सदर बन गए हैं, ट्रैवलिंग हर बंदे के लिए नहीं होती। अब क्यों? मैं ऐसे ट्रिप्स पे भी गया हूँ कि लोग जो हैं डिमांड्स करना शुरू कर देते हैं। अब आप ट्रिप पे जा रहे हैं ठीक है, तो भाई आपको हर जगह ना साफ सुथरे वॉशरूम तो नहीं मिल रहे, जंगलों में जाकर भी करना पड़ता है, हमने पत्थरों के दरमियान में भी। हाँ, और जहाँ कुमराट में तो बिल्कुल भी कुछ नहीं था, ठंडा पानी था दरिया से निकाल के। तो भाई अगर आप फील अगर आपको अगर आप अपने वॉश अपने घर के वॉशरूम में कंफर्टेबल है ना, तो ट्रैवलिंग आपके लिए तो है ही नहीं। दूसरी बात, हम तो ट्रैवलिंग ऐसी करते हैं कि हम जितने पैसे बचा सकते हैं ना, उतने पैसे हम बचा लेते हैं हमने, मतलब सस्ते से सस्ता ट्रिप, महंगा तरीन तो हमने करना ही नहीं ना। टिप्स ना दो ना, बस एक्सपीरियंस शेयर करो। नहीं नहीं यार, बताना बनता है ना, अगर पैसे बचाने हैं तो वो तरीका नहीं बताऊँगा बचाने किस तरह सस्ता मारते हैं। ठीक है। हाँ खाना हम पूरा खाते हैं, लेकिन लग नहीं रहा होगा वो, लेकिन हम खाना नहीं, मुझे लग रहा होगा। अब ये ना कहना कि सारों का लग रहा होगा, लेकिन मुझे सिर्फ अपना ही लगता है। तीन बजे का खाना हम खाते हैं, लेकिन पैसे बचाने कैसे, हमारे साथ एक दोस्त है हमारा शेरी, उसको आते हैं पैसे बचाने। उसका लिंक तो वैसे यूट्यूब पे है नहीं, इंस्टाग्राम लिंक आपको दे देंगे, काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी है वो, नीचे देखे लिंक में आ गया। अच्छा कंक्लूड कर लें, बेस्ट प्लेसेस इन पाकिस्तान, नॉर्दर्न पाकिस्तान, जो भी इंग्लिश बनती है, नॉर्दर्न एरिया ऑफ पाकिस्तान। पहले आप बताओ। मेरी स्कर्दू, स्कर्दू मेरी भी स्कर्दू, लेकिन स्कर्दू से थोड़ा सी मेहनत करके आप जाए ना आगे शिगर और खपलू, कोल्ड डेजर्ट। स्कर्दू में ही आता है? नहीं, ये स्पेसिफाइड कर रहा हूँ मैं, स्कर्दू वैली के अंदर आता है वो। स्कर्दू स्कर्दू होगा, लेकिन जो शिगर खपलू है ना, ये शहर है स्कर्दू के, कह लो सब कॉन्टिनेंटल शहर, छोटे छोटे सब कॉन्टिनेंट। कहाँ से आ गया काट दो ना उसको, कि मैंने काट दिया उसको भाई, वहाँ जाने के लिए आपको मेहनत दरकार है, 6 घंटे की ड्राइव है, 6 घंटे की ड्राइव है शिगर, शिगर की खपलू की 6 घंटे की है। खपलू तो मैं गया ही नहीं यार, खपलू कोल्ड डेजर्ट, वहाँ गाड़ी खड़ी करके वहाँ पे खेलो मैच, क्रिकेट मैच भाई, रात में ना उस रेत पे लोटे लगाओ, गोते कहेंगे, गोते लगाओ, हमने गोते भी लगाए थे भाई, स्टार्स होते हैं वहाँ पे, फुल गैलेक्सी, शूट करो 3-4 घंटे वहाँ बैठो। लेकिन अगर किसी के साथ जा रहे हैं ना, तब तो आप बैठने देंगे नहीं आपको, अगर अपनी गाड़ी पे जा रहे हैं लगाओ गाड़ी साइड पे, कैंपिंग करो वहाँ पे। वैसे अगर किसी किसके साथ ज्यादा पसंद करेंगे आप? किसको शौक है और किसी को शौक ही नहीं है, अगर किसी की बात है मजन पैसे नहीं है, घर वाले नहीं मानेंगे, ये वो मिस है ना, और साथ का सीन में सीन होता बस बात होता। चलो अब खत्म, नहीं नहीं कंक्लूजन दे दूं मैं कि यार मैं तो ट्रैवलिंग, एक तो फोटोग्राफी, दूसरा हम वीडियो भी बना लेते हैं, और सुकून, तीन चीजों के लिए ट्रैवलिंग के लिए भाई, और मेरे लिए सिर्फ एक ही
सुकून सिर्फ रजी तुम्हारा नाम ही रखा ही था चैनल का नाम उससे बचने के लिए मैं जाता हूँ ना फिर माउंटेन्स में नहीं डीप काफ़ी डीप बात हो गई है कैमरा बंद करते हैं खुदा हाफिज़ बाय बाय हेलो नमस्ते बाय बाय